हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि मिश्रा व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम आए हैं भद्रकाली टेंपल जो कि इटखोरी में है और ये वीडियो जो है बहुत दिन का है, हम भूल गए थे एडिट करना, तो आज हमको याद आया अचानक से कि वीडियो एडिट नहीं हुआ है और हम तो भद्रकाली टेम्पल के वहाँ का ब्लॉग भी बनाए, तो आज वीडियो एडिट किए और हम वीडियो अपलोड किए। और चलिए मंदिर के अंदर दिखाते हैं, ये भद्रकाली मंदिर के बाहर का सीन है और अंदर अब हम जा रहे हैं पूजा करने। तो यहाँ बहुत ही अच्छा मंदिर है और हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। मेरे हस्बैंड मतलब पहले यहीं पे काम करते थे इधर ही, और वो हमेशा इस टेंपल में आते थे लेकिन हम कभी नहीं आए थे, तो आज पहली बार हम आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था हमको और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, और हम लोग बाहर में ही अंदर नहीं घुसे थे अभी। और इतना अच्छा ऊपर में एकदम शीशा से पूरा सजाया हुआ था ऊपर, और पूरा शीशा ही था ऊपर में लगा हुआ। उसके बाद हम लोग निकल गए बाहर और यहाँ पे थोड़ा सा घूमने का मन करता क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ था। और फिर हम मंदिर के बाहर आ गए और यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड था और बहुत ही अच्छे एकदम पेड़ पौधे बहुत सारे थे लगे हुए, और इधर का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मानस भी साथ में गया था हम लोग के साथ में, और हम लोग क्या था ना कि शादी था, बहुत पहले का था तो शादी था, उसके बाद हम लोग उधर से ही आ गए थे पूजा करने। सोचे इतना दूर आए तो चलो पूजा करने भी चल जाते हैं, तो हम लोग आ गए थे पूजा करने यहाँ पे। और मानस जिद लगा के रखा था कि फ़ोटो खींचेंगे, तो वो फ़ोटो खींच रहा है अपने पापा का फ़ोन से। और ये देखिए, हमको भी खड़ा होने बोल रहा था यहाँ पे, और देखिए बहुत अच्छा, जानता नहीं है लेकिन कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे बाहर में मानस बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, बहुत ज़्यादा खेल रहा था, और हम लोग पूजा किए अंदर में, फ़ोटो वोटो भी खिंचवाएँ। उसके बाद हम लोग आ गए बाहर क्योंकि अंदर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसके कारण, और पूजा तो हम लोग कर ही लिए थे बहुत पहले ही, और पंडित जी एक पहचानते हैं तो उन्होंने करवा दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो इधर ही कहीं मतलब चतरा में ही जॉब करते थे, इसके कारण उनको सब जानता था, तो हम लोग को पूजा करवा दिया। बहुत अच्छे से पूजा कर लिए थे और बहुत अच्छा लगा हमको मंदिर में, और पहली बार आए थे लेकिन मस्त था, मंदिर भी मस्त था और इधर का व्यू जो था वो तो और भी ज़बरदस्त था। और बहुत सारे मंदिर हैं उधर पीछे साइड में, तो सब में पूजा किए। और मानस बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो वो इधर उधर ही घूम रहा था और हम लोग उसके पीछे ही पीछे, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था हम लोग को, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे देख रहा था डस्टबिन, देखा तो इसको बहुत ही अच्छा लग रहा था डस्टबिन देख के। उसके बाद इसके पापा इसको पकड़े, फिर गोदी में ले लिए और यहाँ बैठा दिए। और इसका शरारत देखिए कितना बदमाश है, बैठे नहीं रहा और नीचे में आके बहुत ज़्यादा प्रणाम कर रहा था, और इसको बहुत। और मानस का पापा का फ़ोन तो मानस के ही पास था क्योंकि इसको बहुत मज़ा आ रहा था फ़ोटो वोटो खींचने में, ये भी कोशिश कर रहा था फ़ोटो खींचे। और यहाँ पे डॉगी था, पानी पी रहा था, तो उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था और वो देख रहा था और फ़ोटो भी खींच रहा था डॉगी का। मानस तो एक मिनट भी बैठे नहीं रहा, वो इतना घूम रहा था कि क्या बोलें, बहुत ज़्यादा। और हम लोग पूजा किए थे, भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी और बहुत लेट हो गया था पूजा करने में क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसके वजह से। हम लोग पूजा कर लिए और अंदर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसके कारण हम लोग ब्लॉग भी नहीं बना पाए और पीछे साइड भी घूम नहीं पाए क्योंकि मानस बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और ब्लॉग बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए कोई था नहीं हम लोग के साथ में, हम ही को बनाना पड़ रहा था, तो इसके कारण। और मानस के पापा मानस को रखे थे और हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा कर लिया और भूख भी लग गया था, तो अब जा रहे हैं हम लोग यहाँ से, तो पूजा करके निकल गए तो खाएँगे। उसके बाद आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।